कादे जतन कीते असी इस संसार ते आके इस संसार दी करंसी जेड़ी है ना वो पैसा है रुपया है जर्मनी दी कुछ होर करंसी है इंग्लैंड दी कुछ होर करंसी है कनेडा अमरीका कुछ होर करंसी है ते सच दसा दरगाह दी कोई होर करंसी है असी इस संसार ते आए हैं मनोरथ हुंदा हर एक चीज का मनोरथ तो बिना कोई काम नहीं हुंदा पहला ए आए की करना दूजा ए जो करना आए हैं वो करना क्यों है तीजा ए भी वो करना किवें आ संसार का कोई भी विहार ये तीन टॉपिक आउणगे ही आउणगे काम किवें क्यों ते की करना है क्यों आया संसार विच संसार विच ते पशु पक्षी भी आए ने मनुख भी आया है पर मनुख दा जीवन पशु पक्षियों नालों कुछ विलक्षण है उत्तम जन्म किया मानस देही नूं मनुखा देह नूं उत्तम किया है पता क्यों इह होरां तरां जिथे तुसी बैठे हो ऐ हाल विच सवेर तो शाम तक इत्थे रूहानियत दीआं गल्लां हुंदीआं सवेर तो शाम तक ते इन्हां रूहानियत दीआं गल्लां विच तुसी मनुख बैठ सकदे हो घोड़े गावां मझां इत्थे नहीं आ सकदीआं इत्थे सिर्फ ते सिर्फ मनुख आ सकदा है क्यों ये जन्म जेड़ा मिले है ना यह जन्म मिले है कई जन्म पए कीट पतंगा पुनर्जन्म पिछले जन्म की गल की है कई जन्म पए कीट पतंगा कई जन्म गज मीन कुरंगा कई जन्म पंखी सर्प होयो कई जन्म हैवर ब्रिख जोयो कई जन्म हैवर ब्रिख जोयो मिल जगदीश मिलन की बरिया चिरंकाल ये देह संजरिया चिर पिछों तेनू ये देह मिली है Oh, 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 oh
एक बार सारे बड़े प्रेम नाल आखो धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह। सतगुरु पातशाह आंदे ने हुण समा मिलिया तेनू परमेश्वर की प्राप्ति का, गुरु नू मिलन दा तेनू समा मिलिया। जिस तरह किसी मुल्क विच जाइए ना आपां ते उस मुल्क दा सानू वीजा मिलदा है, वीजा मिलदा ना, पासवर्ड हुंदा है, उत्थे स्टैंप लगदी है, ते असी उत्थे उन्ना चिर ही रह सकने हैं जिन्ना चिर सानू वीजा मिलिया होवे। होर दसां सौखी गल, बाजार जांदे हो ना, उत्थों टूथपेस्ट खरीदते हो, उत्थों कोई दवाई खरीदते हो, कोई भी चीज खरीदते हो, ते पहला उन्दे ते एक्सपायर डेट वेंदे हो। सच्चे कंपनी च चीज बनदी पिछों है पहला उन्दे ते एक्सपायर डेट लिखी जांदी है। संसार ते तू आया है, जन्म तेरा बाद विच होया है, तेरी भी एक्सपायर डेट पहला लिखी गई। मरन लखाए मंडल में है, तू वीजा लेके आया है, जदों मुक गया, इस देश नू अपना समझ लिया, इस मुल्क नू अपना समझ लिया, इत्थे पक्के डेरे ला लै, पर साडे अखी वेंदियां पता नहीं किन्ने तुर गए, किन्ने तुरे जाने ने, अखी वेंदियां नैनो देखत एह जग जाई, अखां नाल वेंदियां वेंदियां संसार तुरिया जांदा है। किथे गए तेडे मापड़े जिन्नी तू जाने हो, आंदे हो किथे गए जिन्हां तेनु जम्मिया सी, तू अजे ना पुत्ते होने आंदे, तेनु अजे पता नहीं लगा, तेनु अजे समझ नहीं आई। हां ए नहीं तेरा देश, आंदे जाग 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 के आने जाग, काहे गाफल सोया, क्यों सुता प्याय, उठ आज साडे विचों मनिंदर सिंह जी साडे विच नहीं हैगे, संत मनिंदर सिंह जी साडे विच नहीं हैगे। मत जानो भी जेड़ा गया उह नहीं जाना सी, जाण वाला ते चला गया, पता की है आवाज पई ते चले गए, कले आवे नानका सदी उठे, उते गए। असी बैठे हैं अपने आप नूं सिखाउण वास्ते, असी बैठे हैं अपने मन नूं समझाउण वास्ते कि वारी साडी भी दूर नहीं। हां ए नहीं तेरा देश मना परदेसिया, परदेसिया ए नहीं तेरा
एक बड़ा वड्डा भुलेखा है, बंदा सौंदा है, एक सुपना वेंदा है। जब सुपना वेंदा है अख खोल दिए ते झूठ हुंदा है। बस ये संसार भी एक झूठा सुपना है, जो सुपना हर देखना ऐसे जग को जान। आंदे जिवें सुपना वेखना ओवें इस संसार नूं वेखना। कि तुसीं आखोगे सुपना किवें हो सकदा है, आखोगे एक दूजे नूं वेखण डए आ, सामने बैठे आ, इह सुपना किवें होया। ते वेखो जिहड़ा शरीर कुछ दिन पहलां साडे नाल सी, साढ़े नाल तुरिया फिरिया विचरिया हसिया बोलिया, अज वो साढ़े विच नहीं। बिल्कुल उस तरह जिवें सारा दिन धुप लिशकदी है ते वेंदियां वेंदियां गायब हो जांदी है, फिर किवें कहांगे भी धुप सच है। जिन्हें मिट जाना है वह झूठ है। असी सब झूठ हाँ, असी एक दिन मिट जाना है, एक दिन खत्म हो जाना है। बस चेता भुलिया है, चेतना है तो चेत लै। निस दिन में प्राणी शेन शेन औद बिहात है, फूटे घट जो पानी। घड़ा भरिया हुए पानी का तो उस घड़े नूं आ जाए त्रेड़, ते उन्दे चो एक बूंद पानी की सिमेगी। जिस दिन पहली बूंद सिमेगी हुण पक्की गल है एक दिन घड़ा खाली हो जाएगा। जिदन माता दे गर्भ ते जन्म लैके तुसी पहला स्वास लिया है उस दिन तो घटने शुरू होए हो, मत जानो वधने शुरू होए हो। जननी जानत सुत बड़ा होत है, मां दी मेरा पुत्र वड्डा होंदा है, आवें दा जन्मदिन मना लईए। इतना को ना जाने दिन दिन अवध घटत है। उन्हूं समझ नहीं आउंदी, वध नहीं रहा घट रहा है, वध नहीं रहा घट रहा है। जे किसी मनुख की 80 साल उम्र हो 40 साल का जन्मदिन मना दिया हो, किन्ने घट गए, रह किन्ने गए 40। वो आंदे तू आनी वध रहा है। जननी जानत सुत बड़ा होत, मां दी मेरा पुत्र वड्डा हों दिया। इतना को ना जाने दिन दिन अवध घटत है, ये नहीं समझती दिनों दिनों घट रहा है, दिनों दिनों खत्म हो रहा है। असी दिनों दिन खत्म हो रहे हैं। बिल्कुल उस तरह जिवें घड़े च भरिया पानी एक बूंद निकली तो एक दिन सारा खाली हो जाएगा। जां मैं इदां कह लवां तो शायद ज्यादा वधिया गल तो समझ आ जाएगी। आपां जिन्हें बैठे हाँ ना मौत की प्रक्रिया च बैठे हाँ, आपां जिन्हें बैठे हाँ मौत की प्रक्रिया च बैठे हाँ। जिदन ये प्रक्रिया पूरी हो गई ना उदन सहज सुभा आखना है फलाना बंदा पूरा हो गया। ते पूरा हो गया मतलब जेड़ी मौत की प्रक्रिया शुरू हुई सी जन्म तो वह पूरी हो गई। ते पंजाबी दे लफज विच आपां इह कहिंदे आ ना फलाना सज्जन पूरा हो गया। इहदा मतलब है जो पूंजी उस संसार ते लैके आया सी, जो अवधि लैके आया सी, हुण इह ते हो गई है गल, आया क्यों है, आया क्यों है, करन की आया है। बाणी तो पूछ लो, बाणी की आंदी है, बाणी ने किस सानू दस्सिया, सिद्धांत है बाणी। बाणी आंदी है इत्थे वड्डे वड्डे विद्वान कई बोलन वाले बुलारे इत्थे आके आखणगे खाली हथी आयो ते खाली हथी तुर जाना है ना। बहुत कुछ लैके आयो, बहुत कुछ तुसी लैके जाना है। खाली हथी कौन जाता है, बेमुख खाली हथी जाते हैं। गुरु वाला ते लाहा लैके जाता है। बाणी आंदी है, आंदी है तू क्यों आया इत्थे, बच्चे क्यों कली दे ने विदेशां विच कमाई करने वास्ते। तू आया लाहा लैन, आया I'm not afraid of the dark.
राह लैन लगा किचक फकड़े सब मुकदी चली रैन। सुनियो पहला ते जन्म हो गया मरन पहला लखा लिया, जान वास्ते आए हैं रहन वास्ते आए नहीं, चले जाना है। कोई ये गल आखे मैं कनेडा नहीं जाना, मान लो ना जावे। कोई ये आखे मैं अमरीका नहीं जाना, ये भी मान लो भी ना जावे। पर जे कोई आखे मैं मरना नहीं, ये नहीं जी होना। मरन ते लखा के आए हैं ते फिर ये नहीं भी मौत आओ कनेडा बैठी है उतो वीजा लाएगी ते फिर सानू लैन आएगी, नहीं। हंस सरोवर काल शरीर जिवें हंस सरोवर ते बैठे रहिंदे ने, मौत सदा साडे सिर ते आ। कदों चपट मारे पता ही नहीं, कदों चूंड के लै जाए पता ही नहीं। असी सुस्त हो सकने आ, ओ चुस्त हो के रहिंदी है, एक छिण अगा पछाणे होण दिंदी, चपट के लै जांदी है, हर समय मौत साडे सिर ते आ। साहिबां दे प्राणी तू आया राह लैण, तू संसार तो खाली हथी ना जाई, तू इथे राह खटना आया। आंदे जी फिर लाह किवें लैके जावां, आंदे गुर मिल चज अचार सिख गुरु कोल जा, तुद लगा ना दुख ओ तेनू घाटा नहीं पैन देगा। गुरमुख लाह लै गए, गुरमुख लाह लै गए, संसार तो लाह खट के लै जांदे ने ते मनमुख चले मूल गवाए। औरंगजेब बादशाह उनके पुत्र बहादुर शाह नूं पढ़ाउण वास्ते भाई नंद लाल जी फारसी संस्कृति उर्दू आदि भाषावां दे ज्ञाता बड़े विद्वान सन भाई नंद लाल जी। ਉੱਥੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਕੁਛ
कुरान की आयत उत्ते विचार हुई, बड़े बड़े विद्वान ने उस आयत का अर्थ किया। जो भाई नंदलाल जी आए इन्हें उस आयत का अर्थ किया, औरंगजेब बादशाह बड़ा खुश होया क्योंकि संतुष्टि जनक उस आयत का अर्थ जो किसी किया वो भाई नंदलाल जी सन। भाई नंदलाल जी बड़ा खुश होया औरंगजेब बादशाह। पर एक वड्डी मुसीबत है, खुशी के नाल नाल उन्हें जलन भी हुई। उन्हें आखिया एक एडा फिलोसफर एडा विद्वान हो गए, ये मेरी कौम मेरे पंथ च होना चाहिए, ये हिंदू क्यों है, ये मेरी कौम च क्यों नहीं। उन्हें अपने सलाहकार आखिया इनू प्यार नाल समझा समझू के इनू इस्लाम कबूल कराओ। भाई नंद लाल जी आखो इस्लाम कबूल कर लवे, समझे या ना समझे फिर दुई तरह समझाओ, ना समझे तो फिर जे साढ़े को विद्वान नहीं तो फिर इन्हें को भी नहीं रहना चाहिए, फिर इस कौम विच भी विद्वान नहीं रहना चाहिए, इन्हू खत्म कर दो। हुण भाई नंद लाल जी विचारे बहादुर शाह नू पढ़ाउण जांदे, ते जदों उत्थे पढ़ाउण गए ते भाई नंद लाल जी दे प्यार वाले ने आखिया भाई जी नंद लाल जी तुहाडे सिर ते मुसीबत मंडरा रही है। उन्हें नहीं पता, उन्हें क्या कई बार गुलाब का फुल कि सोहना होंदा है, उनकी ताज वर्गी जड़त होंदी है, उनकी सुंदर खुशबू होंदी है, वही उनकी दुश्मन बन जाती है। वो सोहना होने करके जिंदा जी करता तोड़ के नस ना ला के रूड़ी तो सुट लैंदा। चंगे गुण उनके दुश्मन बन गए, चंगे गुण। भाई नंद लाल जी ने कहा नंद लाल जी तुहाडे गुण तुहाडी मुसीबत बन गए, औरंगजेब बादशाह तुहानू इस्लाम कबूल करवाना चाहुंदा है। औरंगजेब बादशाह जे इस्लाम कबूल ना कीता ते फिर तुहाडी दुर्दशा होवेगी, तुहाडा नुकसान होवेगा। वो घबरा गया, उन्हें आख्या हुण फिर मैं की कर सकना, मैं हुण कित्थे जा सकना, इस्लाम में कबूल नहीं करना। विद्वान सी समझ सी उन्हों कि जमीर का मर जाना भी असल मौत है, धर्म छड के मरिया ते मुल नहीं रह जाना। अंगूरां दा गुच्छा पुछो, अंगूरां दा गुच्छा खरीदोगे ना उनका वाजब महंगा होगा, उनका रेट महंगा होगा, ते नाल दी टोकरी दे विच खिलरे पए होंगे वो सस्ते पाउंदे भांडे दे देगा। जेड़ा अपने टुट जाता वह दवानी का मुल नहीं रखता, जेड़ा अपनी कौम अपने धर्म नालों टुट जाता दवानी का मुल नहीं रखता। वो उदन ही मर गया जिदन वह कौम तो टुट गया। कीड़ी वेखी जे तुरदी एक अगे तुरदी बाकी सारियों के पिछे तुरदी है, यही साड़ी कौम है। गुरु अगे लगा कौम पिछे तुरदी है। नंद लाल जी विद्वान सन, उन्हें आखिया मैं मरना कबूल है पर अपना धर्म नहीं परिवर्तन कर सकता। तुसी जानते हो गुरु गोबिंद सिंह के बच्चों ने सत सत नौ नौ साल की सब तो छोटी उम्र के बच्चे सन, 14-17 की वड्डी उम्र के बच्चे सन। चौं पुत्रां ने आखिया मौत कबूल धर्म नहीं छड़ना, किसी शर्त ते नहीं छड़ना। राज भाग ले लो, सोना चांदी ले लो, हीरे जवाहरात ले लो, अद्धा राज ले लो। उन्हें आखिया वजीर खान सानू तेरा दिता कुछ भी नहीं चाहिए, सानू साहब गुरु गोबिंद सिंह की सिखी चाहिए, ये सिखी लैके मर जाइए सानू फकर महसूस होगा। तेरे दिते जीवन नालों गुरु गोबिंद सिंह की याद ते उनकी शान वास्ते मरना कबूल अज याद करते हैं, क्यों उस गुच्छे नाल अंगूर टुटे नहीं अज याद करने हैं। ते जेड़ा टुट जांदा गुरु नालों पर गुरु पातशाह गुरु नानक देव पातशाह की आंदे ने खखड़ियां सुहावियां लगियां अग कंठ
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਅੱਕ ਉੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਅੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅੰਬੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਬ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੱਖੜੀਆਂ ਸੁਹਾਵੀਆਂ ਲੱਗੜੀਆਂ ਅੱਕ ਕੰਠ, ਆਂਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅੰਬੀਆਂ, ਖੱਖੜੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ, ਉਹ ਅੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਅੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਖੱਖੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅੰਬ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਾਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਰਹ ਵਿਛੋੜਾ ਧਣੀ ਸਿਓ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਉਸ ਅੱਕ ਨਾਲ, ਉਸ ਡਲ ਨਾਲ ਉਹ ਖੱਖੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇ। ਖੱਖੜੀਆਂ ਸੁਹਾਵੀਆਂ ਲੱਗੜੀਆਂ ਅੱਕ ਕੰਠ, ਉਹ ਖੱਖੜੀਆਂ ਉਹ ਅੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਰਹ ਵਿਛੋੜਾ ਧਣੀ ਸਿਓ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਵਿਛੜ ਗਈਆਂ, ਬਿਰਹੋਂ ਵਿਛੜ ਗਈਆਂ, ਨਾਨਕ ਸਹਿ ਸਹਿ ਕੰਠ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨੇ ਸਹਿ ਸਹਿ ਕੰਠ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਤੂੰਬੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਬੜੀ ਮਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਫੂਕਾ ਮਾਰਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਂਦੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕ ਸੈਂਸ, ਕਈ ਗੱਠਾਂ, ਕਈ ਉਹ ਤੂੰਬੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਖਿਲਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਇਨਸਾਨ ਐਸਾ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਬਈ, ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ, ਕੌਮ ਨਾਲੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ ਨਾਲੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ ਸੀ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਉੱਤੇ, ਉਦਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਬਚਣਾ ਹੀ ਤੇ ਜਾ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਉਸ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾ, ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ ਆਨੰਦ ਲਾਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਆਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿੰਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਚਲਾ ਜਾ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨੇਊ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਮੰਜਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਇੱਕ ਦਰੋਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਾਸ਼ਕ ਸੀ, ਸੋ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਰੋਗਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬਈ? ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜ ਚੋਂ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੰਕਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਹੋ ਕੈਸਾ ਸੰਕਟ ਭਾਈ? ਆਖਿਆ ਜੀ, ਸੰਕਟ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਸੰਕਟ, ਇਸਲਾਮ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬੇਫਿਕਰ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ, ਆਨੰਦ ਚ ਰਹੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਘਰ ਏ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਡਰ ਬੇਖੌਫ ਬੇਖੌਫ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਖੌਫ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਰੱਤੀ ਚਿੰਤਾ ਜਨਾ ਰਹੋ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਐਸਾ ਦਰਬਾਰ! ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਛੁਪਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦਰਬਾਰ ਏ, ਲੋਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ, ਮਰੋ ਤੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ, ਮਰੋ ਤੋਂ ਹਾਰ।
बेखौफ होके आना पवेगा। भाई नंद लाल जी साहब कमाल साहब गुरु गोबिंद सिंह पातशाह के चरणों में कुछ समा विचरे, जो कुछ दिन लंघे ना कुछ दिन लंघे तो सतगुरु जी आए दर्शन मेला किया मत्था टेकिया आंदे जी एक अर्ज करनी सी। सतगुरु आंदे कादी अर्ज करनी सी, की गल है बई कोई दुख है कोई कष्ट है कोई तकलीफ है? आंदा जी नहीं, मैनू महीने बद्धी हो गया इत्थे रहिंदे आ, महीने बद्धी मैं जाना लंगर छका उन्हां आके सौ जाना बह जाना लिख लेना पढ़ लेना, शर्म आउंदी है वेलियां खाण दे। भाई नंद लाल जी किड्डे विद्वान किड्डी उच्ची महान हस्ती जिन्हां दीआं लिखतां नूं आपां पढ़ने आ। भाई नंद लाल जी ने कहा मैनू संग आउंदी है मैं तुहाडे घर वेला बैठा खाण दिया। सतगुरु जी मुस्कुरा के आंदे इदां दी कोई गल नहीं, साढ़े मन च इदां दी कोई गल नहीं आई। उन्हें आख्या जी तुसा तुहाडा ते वडप्पण है, कृपा करो मेरे उत्ते, मैनू कोई कारज दसो मैनू कोई सेवा दसो जिहड़ी मैं नालों नाल करिया करां ते मैनू इदां लगे कि मैं वेला बैठा नहीं खाण दिया। सतगुरु जी आखिया तुसी लिख दे हो विरुद्धा पूर्वक बचन सुनाउंदे हो, आखिया जी ये ते एक मन दी इच्छा है, होर बड़े ने इत्थे मैं वेखे तेरे दर्द उत्ते झाड़ू फेरदे मैं वेखे ने जेड़े मेरे तो किते उच्च बुद्धि दे मालक ने, मैं उन्हां नूं इस दर ते झाड़ू फेरदिआं वेख्या, मेरी की औकात मैं तेरे दर वेला बैठा खाई जावां।
सतगुरु आख्या फिर ठीक है, जे एडी निम्रता है, जे एडी इच्छा है, एडा दिल करदा है, फिर मैनू होर ते कोई सेवा दिसन नहीं रही। लागे भांड्यां दा ढेर लगा ही, ते उदन मांजन वाला कोई आया ना, ते ओह सतगुरु जी दी निगाह पई, सतगुरां दे भाई नंद लाल जी ऐ भांडे नहीं किसे अज मांजे, लो अज तो इह सेवा तुसीं सांभ लो। कृपा उन्हें आख्या सत बचन, जिन्हें कदी जूठा गिलास चुके आप ना रखिया होए, जिन्हें सेवा सदना अगे औरंगजेब बादशाह दे नौकर फिरदे होन, जिन्हें राज महलां दे सुख माने होन, सतगुरु आख्या ऐ भांडे मांज। भाई मनी सिंह नूं गुरु गोबिंद सिंह पातशाह आख्या सी, भाई मनी सिंह नूं क्या आख्या जी मेरा मन किवें साफ होएगा। ये सवाल भी वो करते ने जिन्हों का मन कुछ निर्मल होंदा है, जिन्हों के मन पर पहले ही मैल लगी हो ना, वो थोड़े सवाल तो करे, पर वो सवाल विवादित सवाल होंगे, वो कह देंगे जो बोले सोनिहाल सत्संगत। मैं अर्ज करदा पिया सां भाई नंद लाल जी, जदों साहिब गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी तो सेवा दी अर्ज कीती, सतगुरां जूठे भांडिआं वल इशारा करके आखिया ये मांज लिया करो। कई बार सानूं पूछ लगी हुंदी है चौधर दी समाट पुणे दी विद्वता दी, हर तरह पक्षों करके उच्चे होण दी, फिर उदों लगदा है मैं गुरु घर दे भांडे मांजदा झाड़ू दिंदा कि छोटा ना हो जा, पर नहीं, यह बड़ी नकम्मी जी सोच है। इस घर विच जिहड़ा झाड़ू बरदार है वह सब तो उच्चा ते सब तो वड्डा है। सतगुरु ने बख्शिश की थी, तुसी वेखिया है, टूक मात्र मैं अर्ज करांगा तुहानू ठीक लगेगी। सतगुरु पातशाह जी पवित्र गुरबाणी का हुणे प्रकाश होया है। कई बार ये सानू कह दिता जांदा है भी नामधारी सिंह गुरबाणी का अदब नहीं करते,
साजे आ जो खाली पंडाल विच भाई गुरु की गुरबाणी का प्रकाश करके बैठा हुंदा असलियत अदब उदो नहीं हुंदा। राजियां ते महाराजा तरह जो साडी पवित्र गुरु रूप गुरबाणी आउंदी है जकारा छड के अदब नाल तुसीं खड़े हुंदे हो ये असलियत अदब है। इत्थे ते पंडाल विच आम बंदा आवे ते ओह झाती मारदा है ते झाती मार के पिछा परत जांदा आंदा हा पंडाल च ते कोई है ही नहीं, अजे पंडाल च कोई नहीं। संघ आउंदी है जो महाराज की भीड़ पैसों वास्ते लाई होंगी है कोई मत्था टेकने वाला खाली ना परत दे। मेरी अर्ज है हर जगह ते कृपा करो अदब करो। गुरबाणी महाराज की भीड़ का प्रकाश उदों होवे जदों पंडाल भरिया होवे। उदों पहला महाराज की भीड़ पंडाल विच ना लियांदी जावे। सतगुरु जी का यह हुक्म ते आदेश गुरबाणी के अदब वास्ते है। किड्डा आनंद आया है सारे अदब नाल खड़े हुए हैं महाराज का सवारा आया है। यह सोहना लगता है कि जब पहले ही धर के बैठे होइए तो एक एक जाना तुरया है तो तुरया जाए कोई नहीं आया कोई नहीं आया इदा नहीं। यह मत कितों मिलती है? गुरमिल चाजे चार सिख आखो धन सतगुरु राम सिंह जी ने कृपा की जिन्हें जाच सिखाई। भाई नंद लाल जी ने गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहा जूठे भांडे मांझ यही तेरी सेवा है। हुण उन्हां कोई रत्ती सेवा सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चेत लाए। सेवा ओ वेखो दुनिया के सारे काम तुसी कर लवो शरीर नाल कर लो काम हो जाणगे। मन तुहाडा किते हो रहे शरीर काम करदा है ते उह परवान है जी। संसार दा काम कल्ले शरीर नाल हो सकता है पर गुरु घर दी सेवा विच मन ते शरीर दोवें दा होना बड़ा जरूरी है। वो साखी तुसी सुनिए हाजर गैर हाजर गैर हाजर हाजर कौन हाजर ने जिन्हां दे मन ते तन हाजर ने। सतगुरां बाणी च कहा है सतगुर की सेवा सफल है केड़ी जे को करै चित लाए। बद्दा चक्की जो भरै ना गुण ना उपकार। धक्के नाल करी जाए लोगों नूं विखाउण नूं करी जाए पिट दा रोंदा करी जाए जी नहीं करदा करी जाए। हाँ शुरुआती हो सकदा बच्चे दा स्कूल जाण नूं जी ना करे पर फिर उही बच्चा है जिन्दे ते कृपा हुंदी है जिन्दे ते बख्शिश हुंदी है वह फिर आप नठ नठ के स्कूले जांदा है। जदों सेवा दा अभ्यास हो जांदा है फिर उस सेवा विच चित जुड़ जांदा है ते अभ्यास निरंतर करन नाल हुंदा है निरंतर सेवा निभाउण नाल हुंदा है ते सेवा ही वड्डी लाह है। सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। फिर अगे कह दिता सा सेवा कीती सफल है जित सतगुर का मन मने। दोवें पासे गल्लां तेरा भी चित जुड़िया होवे ते फिर उहदा चित खुश हुंदा है। फिर वह जिहड़ा शरीर धार के आया चित वाला गुरु फिर उहदा मन खुश हो जांदा है ते जदों तू मन करके सेवा करना है फिर उहदा मन ते जे मन किते होर ते भाई नंद लाल जी फिर सेवा करते ने मन ला के स्वाद पै गया। थाले मांजते ने जिमें भाई मणि सिंह नूं कहा सी ना भी थाले मांज तेरा मन मांजा जाएगा उन्हें बड़ी प्रीत नाल मांजना। हुण ते माया इन्नी हो गई है सुख इन्ने हो गए ने पैसे दे के सेवा करा ली दी है हत्थी सेवा करन दा रिवाज जिहा खत्म कर दिता। सतगुरु महाराज आप खुद मैं सतगुरु जगजीत सिंह के दर्शन किए ने आप खुद भांडे मांजने आप खुद झाड़ू देना आप खुद पानी कढ सिखां दा इशनान करवाना सेवा नूं एड्डी वड्डी महत्ता दिंदे सन आप खुद गुरु महाराज। प्रातन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह भी कृपा करते रह गए। एक दिन शाम का वक्त ते कोई संगत आ गई दर्शन करन वास्ते ते गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह अपने निज स्थान पर बिराज चुके सन। संगत ने आके प्रबंधकों नूं पुछिया सिखां नूं पुछिया गुरु अर्जन देव जी दे दर्शन करने सन उन्हें आख्या उते बराज गए ने उन्हें आख्या फिर हुण दर्शन कदों होणगे उन्हें आख्या दर्शन सवेरे आसा दी वार विच होणगे जदों सवेरे अमृत वेले आसा दी वार लगेगी सतगुर दर्शन देणगे। आख्या सत बचन पिपली साहब गुरद्वारा उत्थे डेरा करा दिता उस संगत दा। माइयां ते कुछ भाई पिपली साहब चले गए हनेरा होया गुरु अर्जन देव पातशाह जी की रजा हुई ये अपने निज स्थाना चो बाहर आए ते बाबा बुढ़ा जी नूं पुछिया बाबा जी
कोई संगत आई सी, उन्हें आख्या जी आई सी दर्शन करने वास्ते। तुहानू पता उदो केड़ा गड्डियां सन, कोई जहाज सन, कोई कारां, कोई घोड़े, उदो पैदल ज्यादा संगत ने आना ते समूह दे इकट्ठ दे रूप विच आना, क्योंकि पैदल आना हनेरा हो जाना, सारिया कट्ठिया तुरना, कोई रस्ते विच वगिया कोई हो ना जाए, कोई किसी तरह की चोरी डाका, कट्ठे आना। सतगुरु आख्या संगत आई है तो डेरा कित्थे लवाया है, आख्या जी पिपली साहब गुरुद्वारा जिहड़ा ना हुण भी दर्शन कर दिओ, उत्थे उत्थे उहनां दा डेरा लवाया है। सतगुरु आख्या पता नहीं उहनां कुछ छकिया कि नहीं छकिया, सेवा दी मैं गल करदा पिआ, पता नहीं उहनां कुछ छकिया कि नहीं छकिया, मैं उहनां नूं कुछ छका वां। बाबा बुढ़ा जी आख्या जिवें तुहानूं ठीक लगे दसो, मैं कुछ लै जावां। आख्या नहीं, माता जी नूं इशारा कीता, माता गंगा जी नूं, गुरु अर्जन देव पातशाह दे महल, आख्या गंगा लिया आपां कोई देग बनाईए, कड़ाह प्रसाद तैयार कीता, एक बर्तन विच कड़ाह प्रसाद पाया थाल परात विच, ते एक गागर गर्म जल दी तैयार कीती। माता गंगा जी ने गर्म जल दी गागर चुकी, गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह ने कड़ाह प्रसाद दा भांडा जिहड़ा सो अपने सीस ते टकाया, चले तुरे ते आ गए भाई पिपली साहब जिथे वह संगत का डेरा लगा सी। गुरु पातशाह ने आवाज दिती, भाई कोई है कि सौ गए हो? एक उठिया, है जी कौन है? उन्हें पहला गुरु जी के दर्शन नहीं सन किते, पहली बार दर्शन किते, इन्हों पछाण नहीं आई भी ये गद्दी दे वारस पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव जी ने, नहीं पता लगा। बुआ खोल के जो भी तंबू कनात सी बाहर आके आख्या आओ जी किवें आयो, सतगुरु समझे भी इन्हों नहीं पछाण नहीं। सतगुरु आख्या संगत वास्ते शकल नूं प्रसाद लैके आए हैं। वो आंदा बल्लिया ते बड़ी चंगी गल है, उन्हें नाल दियां नूं माइयां भाइयां नूं आख्या लो बई आ जाओ, आ एक सिंह आया है ते एक कड़ाह प्रसाद शकल नूं लैके आया, आओ छकीए। उह हुण ते सहूलतां ने, मोबाइल ने, फोटोआं ने, टीवी ए, किते बैठे किसी धर्म के किसी गुरु आगू के दर्शन करने झट हो जाते हैं। उदो ये समा नहीं सी, बस सुनिया ही हुंदा सी भी इदां दा गुरु, ते उत्थों चल के इन्हां नूं नहीं सी पता भी ये गुरु अर्जन देव पातशाह ने। सेवा जाच दसदे ने सानू सेवा दी। सतगुरु आख्या भी कड़ाह प्रसाद छकन तो पहला हाथ मूँह धो लो, गर्म जल मैं लैके आया, ठंड के दिन सन जिवें हुण ठंड पैंदी, भाइयां दे चरण तुहाडा इतिहास कहिंदा गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह ने आप मल मल के धोते, ते माता गंगा जी ने जल पाया, गर्म जल दे नाल भाइयां दे चरण गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने, ते माइयां दे चरण माता गंगा जी ने धो के, ते कड़ाह प्रसाद दी देग वरताई, गफ्फे दिते छकन नूं, उहनां छके, फिर उहनां दी आख्या तुर के आए हो गए, चरण कुटे। हुण जदों गर्म प्रसाद छकन नूं मिलिया, अंदरां नूं टकोर होई, गर्म जल नाल मूँह हाथ पैर धोते, ते फिर मुट्ठी चापी कीती, हौली हौली दबाए, ते नींद सुभाए की सी आ जानी, ए सौं गए सुते। ते सतगुरु पातशाह जी माता गंगा जी उत्थे इन्हां दी सेवा च माइयां दे चरण माता जी घुटदियां करदियां रात बतीत होई, अगला पहर आया, इन्हां च एक जना उठिया, उन्हें दूजिआं नूं हाक दित्ती, आखिया उठो ओए उठो अमृत वेला हो गया है। आंदे सी आसा दी वार विच गुरु दे दर्शन होणगे, कई बार इदां भी हो जांदा है गुरु कोल हुंदा सानूं पता ही नहीं हुंदा, कई बार इह भी हो जांदा है। ए अखियां नाहीं, अखियां ते रावण नूं भी दित्तियां, उस राम पछाता नाहीं। कई बार गुरु दी पछाण नहीं आउंदी, समझ नहीं आउंदी, बंदिआं वरगा लगदा है। सतगुरु पातशाह कोल बैठे, ओह उठ के ते हुण सरोवर ते इशनान करन वास्ते चले, ते एक दूजे वल वेख के आंदे ने आपां जाणा है समान ते चलो आपां नाल लै जांगे, जोड़े ते नहीं ना लिजा सकदे। ते जोड़ियां दा की करिए, एक आंदा है आ जिहड़ा सिंह सिंघणी रात दे अपनी सेवा च लगे ने, बड़े चंगे लगदे ने, बंदे वधिया ने, जोड़ियां दी राखी इन्हां नूं बाज आईए। आंदे ने गुरु अर्जन देव पातशाह नूं हाक मार के, भाई सिंह असीं पंजवें पातशाह दे दर्शन कर आईए, तू जरा साडे जोड़ियां दी राखी करेगा, तू साडे जोड़ियां दी राखी करेगा।
ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਸਾਡੀ ਤਿਆਕੜ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਕਰ ਜਾਂਦੀ, ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਰਮਾਨਤਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ। ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀਏ, ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸਿੱਖੀਏ। ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀਏ। ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀਏ। ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਚੱਲਿਆ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਚ ਫਿਰ ਉੱਠਿਆ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੇ, ਉਹ ਖਰੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਪਿੱਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਲੰਬਾ ਦਾੜਾ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ
आख्या उते जोड़ियां दी राखी बा आया ओ तुहाडा भला होवे बाबा बुड्ढा जुट के भजे मगरे संगतां भजियां सतगुरु जोड़ियां दी राखी बैठे उते माला फेरन माता गंगा जी बैठे बाबा बुड्ढा जी ज्यों दाड़ा फड़ के आख्या ओ दीन दुनिया दे वालिया तू इत्थे बैठा तू इत्थे क्यों बैठा हाथ जोड़ लै पातशाह ओ तेरे आसन राजे महाराजे विछाउण वाले सतगुरां पता की वचन कीता बाबा जी विरागी ना होवो विच दुनिया सेव कमाई है दर्ग है वैसन है और जिन्हें दुनिया की सेवा संसार की उनके लोगों की सेवा कर ली उन्हें दरगाह का बैठन मिल गया गुरु गोबिंद सिंह के दरबार में भाई नंद लाल जी भांडिया की सेवा करते हैं भांडिया की अज सानू संघ आती है शर्म आ जाती सेवा किसी तरह की करते हैं कुछ माया हो गई तो वह दे के सेवा करा ली दी है जो भाई नंद लाल जी भांडे मांजते ना तो इन इन राख हथा लगी है भांडे मांज मांज के उड उड के धूर सिर तक चढ़ीए इधरों मुल्तान तो कुछ विद्वान आ गए भाई नंद लाल जी का विद्वाना नाल सांझ सी उन्होंने पता लगा कि दिल्ली का तख्त औरंगजेब बादशाह जी इस नौकरी छड़ के गुरु गोबिंद सिंह के दरबार में भाई नंद लाल जी चले गए ने इत्थे फिर वो मुल्तान के जिहड़े विद्वान सन वह मिलन आए जदों मिलन आए ना ये राख नाल मिट्टी मिट्टी हुए सन धूड़ी विच लुड़ंदड़ी सोहा गुरु वाला मिट्टी नाल भी लिपड़िया हो सोहना लगता है धूड़ी विच लुड़ंदड़ी सोहा मिट्टी विच लिपड़ी हुई भी सोहनी है क्यों गुरु वाली हां जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते भले बाहरों कपड़े पाटे हो सकते ने पर अंदर उन्होंने रेशमे वो संस क्यों भले ने तेन नेहो लगा रब से उन्होंने प्यार है जिन्हों का प्यार है उन्होंने को फिर सुंदरता ही व्यापनी है ना अच्छा भाई नंद लाल जी दे हाथ ते सारी राख नाल इन्ने चिर विद्वान आए तो उन्हें आख्या भाई नंद लाल जी मिलना है तो हम सारे अपने वर्ग उन्हें आख्या उखे अंदर होना वेख लो गां गए तो राख उड़ उड़ के उन्हें आख्या भाई नंद लाल जी उठे उन्हें हाथ चाले अदब किया बल्ले बल्ले अज मैनू मिलन बड़े दिन उन्हें आख्या छड़ो असी तुहानू दिल्ली मिलन जाते सर औरंगजेब बादशाह दरबार से तुहाडी कोई कदर सी तुसी तख्त ते बहन वाले बंदे तुहाडे दुआले नौकर चाकर आ की कीता जे आ तुसी की आप सारे लिप कपड़े भी लिपड़े पे हाथ भी लिपड़े पे वो तुहाडी ते किते नौकर चाकर गुरु गोबिंद सिंह ने तुहानू जानिया नहीं ते भाई नंद लाल जी ने आख्या चुप करो गुरु गोबिंद सिंह नू तुसी नहीं जानिया तुसी नहीं उन्होंने जान सके उन्हें आख्या किवें तेरी हालात वेख तू कदी पानी पी के गिलास हेठा रखे ते तेरे इत्थों नौकर चुकन ते अज तू राखो राख होया पिया ते भाई नंद लाल जी ने जवाब दिता जो सुख प्रभ गोबिंद की सेवा जेड़ा आनंद मेनू मेरे गुरु गोबिंद सिंह के भांडे मांज के आया मेनू यहोजा सुख औरंगजेब के बादशाह अंगूर खा के भी नहीं आया जो सुख प्रभ गोबिंद की सेवा सो सुख राज मनिंदर सिंह हुणां दी याद विच बैठे हो
ਹੈ ਦਸਤਾਰ ਜਰਾ ਨਾ ਟੇਢੀ ਬਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇ ਨੂੰ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਦੇ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਓ ਨੇ ਕਿ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੇਢੀ ਬਣਨੀ ਨੁੱਕਰ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖੀ ਅਸੂਲ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਗੋਲ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਢੀ ਬਣਨੀ ਨੁੱਕਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਆਖਣਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਖਣਾ ਵੀ ਪੱਗ ਸਿੱਧੀ ਗੋਲ ਕਰ ਲੈ ਟੇਢੀ ਕਾਹਨੂੰ ਬੰਨਣਾ ਤੇ ਆਖਣਾ ਜਿੱਦਣ ਆਪ ਲੱਗੇਗਾ ਉਦਣ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਜਿੱਦਣ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਓ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਮੋਢਿਓ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਸਤਾਰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਔਂ ਕਮਾ ਕੇ ਗੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਟੇਢੀ ਬੰਨੀ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਸੋ ਸੁਖਰਾਜ ਨਾ ਲਹੀ ਬੜਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਸਾਧ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੁਖ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਉਹਦੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਦਸਤਾਰ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਖ ਉਦਣ ਆਇਆ ਉਹ ਸੁਖ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹਦਾ ਸੇਵਾ ਚ ਚਿੱਤ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਾਟੀ ਸੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਕੌਲ ਕਹਿ ਲਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਫੜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੁਣ ਜੋ ਲਿਖੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਹਾ ਲਈਏ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖੀਏ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਸਿੱਖੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਰਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਧਰਮ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਾਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਸਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਗੈਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਏ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਸਿੱਖ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਵਧੀਆ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ
ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੋ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।